न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बेल्लारी और उसके आसपास के मौजूद लाखों की आवाम यहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने की मुहिम लेकर के कन्याकुमारी से अपने साथ हजारों लाखों की तादाद में लोगों को लेकर के निकले हैं, और ये यात्रा शहर शहर गली गली गांव गांव होती हुई कर्नाटक के बेल्लारी शहर में है। मैं आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तब तक हमारे नेताजी राहुल गांधी जी आ चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बस इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जो ये मुहिम है, इस मुहिम के लिए हिंदुस्तान का एक एक शख्स राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और कर्नाटक की आवाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो यहां हो या दिल्ली में बैठी हो, पिछले कुछ सालों में इस देश को महंगाई और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जब भी आप उनसे सवाल करते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो 60 रुपए का था वो 100 रुपए का क्यों हो गया, तब वो आपसे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझ जाओ। जब आप सवाल करते हैं कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों हो गया, तब वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान पर बहस करो। जब आप उनसे पूछते हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पे कैसे आ गया, तब वो कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान में उलझ जाओ। इस तमाम जाल को तोड़ने के लिए, इस तमाम साजिश को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं, और हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से राहुल जी को सलाम करते हैं, राहुल जी की शख्सियत को सलाम करते हैं, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है। मैं उस दिन यात्रा में साथ चल रहा था तो किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप चल रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो मैंने एक ही बात कही कि मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद मैं उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो मैं अपने दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी मुहिम में चल रहा हूं कि आने वाली नस्लें जब पूछेंगी कि जब मुल्क में नफरतों की आग लगी थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम बात करने को तैयार नहीं था, ऐसे में आप क्या कर रहे थे, तब मैं फख्र से कह सकूंगा, गर्व से कह सकूंगा कि मैं अपने रेता राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पांव के छालों की परवाह किए बिना जा रहा था और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं एक बार फिर से राहुल जी को सलाम करता हूं, और मैं जानता हूं कि चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। राहुल जी आगे जाएंगे और हम सब उनके साथ खड़े हैं, और कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक ये जो नफरत वाली हुकूमतें हैं इन्हें रख देंगे। कर्नाटक में नफरत का नाटक अब और नहीं चलेगा। मैं आदर्श सागर बनाने में मगर एहसान